गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। उसका ओनली थोड़ा सा बेसिक कि एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब कोई भी कंपाउंड अपना एच आयन रिलीज कर देता है। एच आयन क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, वो क्या कहलाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाता है। और यह एसिडिक स्ट्रेंथ पता हो चला आप लोगों को क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, जो अपना एच आयन क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। और यहाँ हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं बच्चों फिनोल। अल्कोहल क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जो फिनोल है वो मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ने से पहले हमें एक टेबल का पता होना जरूरी होता है, जो प्लस आई इफेक्ट की टेबल होती है और माइनस आई इफेक्ट की टेबल होती है। तो देखिए, जो हमारी प्लस आई इफेक्ट की टेबल है वो क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किस पर होता है? सी एच टू माइनस, एन एच माइनस, ईथर है एल्कोक्सी, ईस्टर सी डबल ओ, आर थ्री यानी कि थर्ड डिग्री, आर टू सेकेंड डिग्री, आर वन वन डिग्री, और इसके बाद आ जाता है हमारा सी एच थ्री। फिर आता है ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ये हमारी प्लस आई इफेक्ट की टेबल है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ से पहले प्लस आई इफेक्ट की टेबल का याद होना जरूरी होता है। उसी के बाद हम एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। माइनस आई इफेक्ट की टेबल कौन सी होती है? एन एफ थ्री प्लस, एन आर थ्री प्लस, एन एच थ्री प्लस, एन ओ टू, एसओ थ्री एच, सी एन, सी एच ओ, सी डबल ओ एच, एफ सी एल, बी आर आई, आर ओ आर, ओ एच, और इसके बाद हमारी आ जाती है ओ एच के बाद ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि हमारी क्या आती है? अल्काइन आ जाती है। अल्काइन के बाद बच्चों NH2 माइनस, इसके बाद हमारा आ जाती है बेंजीन डबल बॉन्ड NH। ये क्या है? हमारी माइनस आई इफेक्ट की टेबल है। पहले ये टेबल आप लोग याद करोगे, क्योंकि इस टेबल को याद करना इसलिए जरूरी है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम्प्लीटली इसी पर डिपेंड करती है और यहीं से हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा मोर एसिडिक है, कौन सा लेस एसिडिक है। हम लोगों को बस ध्यान रखना है जो अल्कोहल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है किसके? प्लस आई इफेक्ट के। बच्चों जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट हमारा बढ़ता चला जाता है, OH की एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी घटती चली जाती है। ये किसका है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? माइनस आई इफेक्ट के। यानी कि अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो माइनस आई के साथ बढ़ती है। माइनस आई में हमारे कौन से आते हैं? जो कि जैसे NO2 वगैरह है, जो हमारे माइनस आई दिखाते हैं, वो किस में आते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ में। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है प्लस आई के क्या होती है? इन्वर्सली होती है। सपोज करो हमारे पास ये क्वेश्चन है, टू ब्रोमोफिनोल, एक है हमारे पास टू मिथाइल फिनोल और एक है हमारे पास थ्री मिथाइल फिनोल। हमें इसमें कंपेयर करना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। ये ए है, ये बी है और ये सी है।
अगर हम देखें, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो नेगेटिव वाले होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो ए की सबसे ज्यादा है, ए हमारा ग्रेटर देन है, किससे? सी से और बी से। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा? सी आ जाता है और ये ग्रेटर देन हो जाता है बी से। इस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। अभी ये हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ का लेक्चर कंप्लीट नहीं हो, ओनली मैंने आप लोगों को बेसिक नॉलेज बताई है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए टेबल का पता होना जरूरी होता है, किसके इन्वर्सली होती है, प्लस आई के इन्वर्सली चलती है और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जितना हो सकता है इसे शेयर करें। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। नोट्स सारे मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ, जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका ऐड कर रखा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।